नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश चानी, मेरी चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा, भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, जिनकी भी जन्म पत्री में, बर्थ चार्ट में शुक्र और बुध उच्च के हैं, मजबूत है, शुभ दृष्टि प्रदान करते हैं, दोस्तों वो इंसान एक न एक दिन धनपति अवश्य बनता है, अमीर अवश्य बनता है, चाहे कितने भी घर में जन्म लिया है उसने, मगर अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से वो अमीर अवश्य बनता है। दोस्तों, अगर जन्म पत्री में शुक्र और बुध ठीक नहीं है, या तो कोई में से एक भी ग्रह ठीक नहीं है, तो उसे कैसे ठीक करें, कैसे बैलेंस करें, कैसे ये दोनों ग्रहों की शुभ दृष्टि पाए, आज के वीडियो में कुछ ऐसा ही उपाय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नम्र निवेदन, छोटी अपेक्षा, चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार से जुड़ जाए, ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाए, ताकि ऐसे आने वाले मेरे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक करें, आपकी मर्जी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे बिना आप वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम आप अवश्य लिखेंगे। दोस्तों, एक दूसरी जानकारी दे दूँ, हर दिन देता हूँ मैं मेरे वीडियोस में, मेरी दूसरी चैनल है दिव्य टोटके, डिस्क्रिप्शन में नीचे चैनल का नाम और चैनल की लिंक रखी है। ये वीडियो देखने के बाद आप वो लिंक ओपन करें, वहाँ वीडियो देखें, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप मुझे वो चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, वीडियो के माध्यम से ही आपके साथ आपकी समस्या का समाधान शेयर करूंगा। हर दिन दोपहर 1 बजे वो चैनल पे एक वीडियो शेयर करता हूँ। दोस्तों, जो प्यार, जो सहयोग आप सभी ने मुझे इस चैनल पे दिया है, अपेक्षा रखता हूँ वही प्यार, वही सहयोग मुझे वो चैनल पे भी मिलेगा। दोस्तों, शुक्र और बुध, शुक्र सुख समृद्धि और सौंदर्य के दाता, बुध हमारी बुद्धि, हमारी वाणी। दोस्तों, जिसकी भी वाणी कर्कश है, अच्छा नहीं बोलते हैं, जो कर्कश है, बिना जन्म पत्री देखे समझ लेना इसका बुध ठीक नहीं है। दोस्तों, जिनके पास सौंदर्य भी है, देखने में अच्छा है और बुद्धि भी है, वाणी भी अच्छी है, दोस्तों जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आदमी, ऐसे इंसान जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये है शुक्र, खड़ी शक्कर, कच्ची चीनी, कोई प्रांत में खड़ी शक्कर बोलते हैं, कोई प्रांत में इसे कच्ची चीनी बोलते हैं, ये है शक्कर, खड़ी शक्कर, इसके छोटे टुकड़े कर दे, इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है लेने की, छोटे छोटे टुकड़े कर दे, बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी आपको। ये है इलायची, हरी वाली
इलायची। दोस्तों सीधा बुध से संबंध है इसका और ये सीधा शुक्र से संबंध रखती है। आपको कुछ नहीं करना है पूरे दिन में कभी भी, ये शक्कर के थोड़े छोटे टुकड़े करके आप एक डिब्बी में भर के रख दे, एक डिब्बी में इलायची रख दे। पूरे दिन में जब भी याद आ जाए आपको थोड़ी शक्कर उठाए, इलायची ले, मुंह में रखे, चबाए इलायची को, आहिस्ता आहिस्ता चबाए मुंह में, टेस्ट ले। दोस्तों ये प्रयोग आप हर दिन करते हैं। मैंने मेरे कई वीडियोस में एक बात बताई है कि कुछ चीज़ें आहार में लेने से उनसे जुड़े ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, शुभ दृष्टि प्रदान करते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा ही ये प्रयोग है, हर दिन करते हैं आप ये उपाय। शुक्र और बुध दोनों ग्रहों की शुभ दृष्टि आपके जीवन में बननी चालू हो जाएगी। बस दोस्तों उपाय को आप ठीक से समझ गए होंगे, आप वीडियो को लाइक करते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दी होगी। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ लिंक ओपन करें, वो चैनल पे वीडियो देखें, वहाँ कमेंट करें। वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे, सभी भाई बहनों का शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम।